कटरीना ओपनली कर रही हैं आदित्य को डेट। जैकलिन को लेकर हुए रणबीर डेस्परेट। क्या कटरीना रणबीर को मिल गया है न्यू लव? कटरीना आदित्य ओपनली गए रोमांटिक ड्राइव पर। रणबीर ने जैकलिन को इनवाइट किया डेट पर। यामी को पेरेंट्स ने दिया पुलकित के अफेयर को लेकर अल्टीमेटम। करीना और सैफ की एक्स वाइफ में उनकी बेटी को लेकर फाइट। चाहे हो कटरीना और रणबीर की अलग अलग और अजब प्रेम कहानी या हो करीना की सैफ की एक्स वाइफ से फाइट, नथिंग स्लिप्स आउट ऑफ अ साइट। सभी कुछ यहीं पर मिलेगा आपको बिकॉज दिस इज प्लैनेट बॉलीवुड। कटरीना और आदित्य थे एक दूसरे में इतने लॉस्ट, इतने हैप्पी कि दे जस्ट डिड नॉट केयर अबाउट हाइडिंग देयर लव। इस रोमांटिक ड्राइव को देखकर तो यही लग रहा है कि कटरीना और आदित्य को लव ड्राइव कर रहा है क्रेजी। रणबीर कपूर से अलग हुई कटरीना और श्रद्धा कपूर से सेपरेट हुए आदित्य को लगता है मिल गया है लव। प्लैनेट बॉलीवुड ने कटरीना और आदित्य को कैप्चर किया रोमांटिक ड्राइव पर, जहां वो इतने खुश थे कि कैमराज उन्हें साथ में क्लिक कर रहे थे, लेकिन फिर भी इससे उन्हें नहीं थी कोई भी प्रॉब्लम। बल्कि कटरीना और आदित्य तो अपनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी बॉन्डिंग को कैमराज के आगे फ्लॉन्ट कर रहे थे। करण जौहर के ड्रीम टूर पर कटरीना और आदित्य ने साथ में कई इंटरनेशनल सिटीज में ट्रैवल किया था और वहीं से इनकी बढ़ती क्लोजनेस की काफी खबरें भी आई थी। रिपोर्टेडली ड्रीम टूर के दौरान आदित्य और कटरीना साथ में काफी कंफर्टेबल थे और इनके बीच की बॉन्डिंग सभी को दिख रही थी। पर फिर भी कटरीना और आदित्य ने इस न्यूज को गलत बता दिया था, लेकिन अब लगता है कि कटरीना और आदित्य अपनी स्पेशल बॉन्डिंग को किसी से छिपाकर नहीं रखना चाहते। इस रोमांटिक ड्राइव पर बिना कैमरास को माइंड किए कटरीना और आदित्य जिस तरह से कंफर्टेबल थे, उसे देखकर समझा जा सकता है कि ये बॉलीवुड के गुड फ्रेंड्स बन चुके हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि गुड फ्रेंड्स का मतलब बी टाउन में होता है कन्फेशन की तरफ पहला कदम, और हो सकता है कि कटरीना और आदित्य अपनी रोमांटिक ड्राइव के जरिए पहला स्टेप ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। रणबीर को अब कटरीना के बाद आ गई है जैकलीन पसंद। डिनर डेट पर जाने के लिए रणबीर ने भेजा जैकलीन को SMS। वैसे चक्कर क्या है, क्या रणबीर को सलमान की ही गर्ल्स अच्छी लगती है? क्या कटरीना कैफ से ब्रेकअप के बाद रणबीर कपूर अब जैकलिन को पसंद करने लगे हैं? रणबीर हैज आस्क जैकलिन आउट फॉर अ डेट, लेकिन जैकलिन शायद सलमान के डर से कर रही हैं अब तक रेजिस्ट। वैसे ये रणबीर का चक्कर क्या है, पहले कटरीना और अब जैकलिन? रणबीर को सलमान की ही गर्ल्स क्यों पसंद आती हैं? कैसनोवा रणबीर जिनके पीछे लड़कियां क्रेजी हो जाती हैं, उन्हें जैकलिन कर रही हैं इग्नोर। जैकलिन यूं तो इजीली हो जाती है ओवर फ्रेंडली, पर रणबीर के केस में क्यों हो रही है कॉशियस? खबर है कि रिसेंटली गुवाहाटी में हुए एक स्पोर्ट्स इवेंट के लिए कई बी टाउन स्टार्स जैसे आलिया भट्ट, वरुण धवन, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन पहुंचे, मगर रणबीर कपूर वहां सिर्फ जैकलिन पर ही ध्यान दे रहे थे। थोड़े दिनों पहले ही कटरीना के साथ अपने रिलेशन को स्पेशल बताने वाले रणबीर लगता है अब कम्प्लीटली मूव ऑन कर गए हैं और अब जैकलिन से अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए कर रहे हैं पूरी कोशिश। वैसे रिपोर्ट्स ये भी हैं कि रणबीर जैकलिन के साथ लास्ट ईयर रिलीज रॉय के वक्त से ही क्लोज होने की कोशिश कर रहे थे, एंड इनफैक्ट कुछ महीनों से रणबीर जैकलिन को डिनर डेट के लिए लगातार मैसेजेस भी कर रहे हैं, जो जैकलिन कर रही हैं अवॉइड। अब यहाँ आपको बता दें कि सलमान खान ने अपने ज्वेलरी ब्रांड के लिए एज एन एम्बेसडर जैकलिन को चूज किया है, और जैकलिन के करियर की इकलौती बड़ी हिट किक देने वाले सलमान खान को जैकलिन शायद ही नाराज करना चाहेंगी। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रणबीर अपना जादू चला पाएंगे या जैकलिन यूं ही रणबीर के चार्म को करेंगे इग्नोर। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। यामी तो पुलकित के प्यार में इतना डूब गई थी कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया अपना करियर। वहीं टूटी पुलकित की शादी।
अब लगता है यामी के पेरेंट्स ने कह दिया है इनफ इज इनफ। यामी आप करियर को चूज करेंगी या फिर लव? यामी और पुलकित की इतनी पैशनेट थी लव स्टोरी कि उन्होंने दुनिया तक की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, नेबर्स क्या बोलेंगे ये तक नहीं सोचा। और तो और पुलकित की वाइफ की भी परवाह नहीं की। लेकिन अब लगता है यामी को होने लगी है परवाह, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें दे दिया है अल्टीमेटम। यामी गौतम के पेरेंट्स ने साफ कह दिया है यामी से कि उन्हें अपने करियर और पुलकित में से किसी एक को करना होगा चूज। यानी कि यामी के पेरेंट्स उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यामी पुलकित के साथ अपने रिलेशन की वजह से अपने करियर को ना करें चौपट। पुलकित सम्राट के साथ अफेयर के साइड इफेक्ट अब यामी के करियर पर पड़ रहे हैं। पुलकित के पास जहां फुकरे 2 है, वहीं यामी ने अब तक कोई फिल्म साइन नहीं की है। इनफैक्ट एक कंपनी के साथ यामी की डील भी उनकी फ्लॉप फिल्म्स के कारण कैंसिल हो गई है। यामी के पेरेंट्स इससे बिल्कुल खुश नहीं लग रहे हैं। उन्हें लगता है कि यामी पुलकित की फिल्म से ज्यादा दोनों की लव लाइफ ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, इसीलिए उनकी फिल्म्स नहीं चली। खबर ये भी आई थी कि इनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री की वजह से दोनों को सनम रे और जुनूनियत के बाद एक और रोमांटिक फिल्म का ऑफर आया था। हालांकि इस कपल ने साथ फिल्म करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये खुद भी नहीं चाहते हैं कि इनकी लव लाइफ अब फोकस में रहे। और ये बात यामी के पेरेंट्स भी अच्छी तरह समझ चुके हैं, इसीलिए अपनी बेटी के डूबते हुए करियर को बचाने के लिए उन्होंने साफ लफ्जों में यामी को पुलकित से अलग हो जाने के लिए कह दिया है। यामी अपने पेरेंट्स की इन बातों को कितनी जल्दी समझती हैं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। करीना और सैफ की एक्स वाइफ के बीच उनकी डॉटर सारा को लेकर हुई फाइट। सैफ की एक्स अमृता ने तोड़ा अपना साइलेंस। क्या करीना कर रही है सैफ की डॉटर को कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस? लेट्स फाइंड आउट। करीना और सैफ की एक्स अमृता के बीच क्या सैफ की बेटी सारा को लेकर हुई लड़ाई? क्या करीना अमृता और सारा की लाइफ में कर रही थी कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर? और क्या सारा की स्टाइल को करीना ने किया इन्फ्लुएंस? करीना के बर्थडे बैश से सारा अली खान की हॉट पिक्चर्स बाहर आने के बाद न्यूज आई कि सारा के इस स्टाइल से उनकी मॉम अमृता खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि बेबो ने सारा को बोल्ड बना दिया है और उनके स्टाइल को इन्फ्लुएंस किया है, जिसके बाद सारा को लेकर करीना और अमृता के बीच फाइट भी हुई। लेकिन अब इस खबर पर अमृता सिंह ने तोड़ दी है चुप्पी और कहा है, आजकल मेरे नाम पे बहुत बिल भाड़े जा रहे हैं। लेट मी टेल यू, टुडेज किड्स हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन एंड दे नो हाउ टू एक्सरसाइज इट। लकीली सारा चोज टू कंप्लीट हर स्टडीज बिफोर परस्यूइंग एक्टिंग। अमृता के स्टेटमेंट के बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या सारा के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर अमृता को ज्यादा ही कंसर्न्ड हैं और नहीं चाहती कि सारा की हॉटनेस का असर उनकी इमेज पर पड़े। सारा अली खान का स्टाइल भले ही अमृता को कुछ खास पसंद नहीं आया हो, लेकिन बेबो के बर्थडे बैश पर सारा अली खान हॉट एंड ब्यूटीफुल लग रही थी और सभी को उनका स्टाइल काफी पसंद भी आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सलमान को लगता है प्यार से डर। सलमान ने खुद कन्फेस किया कि वो वेडिंग रिंग से बहुत डरते हैं, क्योंकि उनका दिल बहुत बार प्यार में टूट चुका है। कैन यू बिलीव दिस? यस, बट इट्स ट्रू। सलमान खान को लगता है प्यार से डर। सलमान को लगता है दिल टूटने से डर। सलमान का कहना है कि वो दिल से बहुत रोमांटिक हैं, लेकिन वेडिंग रिंग से उन्हें फोबिया है, जिसकी वजह है उनके पास्ट में टूटे रिलेशनशिप्स। सलमान अब तक कई रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं, लेकिन उनका हर रिलेशनशिप एक फेलियर ही रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि सलमान ब्रेकअप के बाद भी अपनी एक्सेस के साथ पूरी दोस्ती निभाते हैं,
लेकिन बार बार दिल टूटने के दर्द ने उन्हें डरा दिया है। सलमान ने कन्फेस किया, आई एम द मोस्ट रोमांटिक पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड। अबाउट द फोबिया ऑफ रिंग, आई थिंक इट्स ड्यू टू एनकाउंटरिंग अ सीरीज ऑफ हार्ट ब्रेक्स एंड फेलियर्स। इट्स डीप रूटेड इन मी नाउ। मतलब साफ है, सलमान दिल से रोमांटिक हैं, लेकिन वेडिंग रिंग पहनने से वो अभी भी डरते हैं। वैसे पिछले काफी समय से सलमान और यूलिया की शादी की न्यूज आ रही थी, पर जिस तरह सलमान ने अपने प्यार के डर को कन्फेस किया है, उसे देखकर तो यूलिया और सलमान की शादी की न्यूज पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। 5 लाख कमाने वाले फवाद को इंडिया ने बनाया करोड़पति। अब फवाद का क्या होगा? अ बिग रिवील आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। पांच लाख चार्ज करने वाले फवाद पहुंच गए थे 2 करोड़ पर। अब ना रहा उनका इंडिया में चैनल, ना ही मूवीज। गॉडफादर करण भी नहीं कर पाएंगे उनकी मदद। अब फवाद का क्या होगा? एक पाकिस्तानी सीरियल के लिए 5 लाख तक अर्न करने वाले फवाद को बॉलीवुड से बैन होने पर लगा 2 करोड़ का झटका। और अब इंडिया में जिस सीरियल से फवाद को पॉपुलैरिटी मिली, वो भी बैन होने जा रहा है। अब क्या होगा फवाद खान का? फवाद रातों रात अपनी टीवी सीरियल की वजह से बॉलीवुड के बड़े स्टार बन गए। पाकिस्तान में सिर्फ 5 लाख रुपीस एक सीरियल के लिए चार्ज करने वाले फवाद अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से बॉलीवुड में 2 करोड़ तक अर्न कर सकते थे। और फाइनली बॉलीवुड में उन पर लगे बैन से उन्हें होगा 2 करोड़ का नुकसान। फवाद को बॉलीवुड से अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, और शायद फवाद को ये नुकसान उठाना नहीं पड़ता अगर वो इंडिया में हुए टेरर अटैक्स पर अपना साइड रख देते। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर लगा दिया है बैन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फवाद खान के माफी ना मांगने की वजह से उनके प्रोड्यूसर करण जौहर भी फंस गए हैं बड़ी मुश्किल में, क्योंकि ए दिल है मुश्किल के खिलाफ प्रोटेस्ट की न्यूज अभी से आ रही है। ऐसे में अगर फ्यूचर में फवाद से प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन बैन हट भी जाता है, तो शायद ही कोई फवाद को अपनी फिल्म में साइन करे, क्योंकि सबको पता है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं। ऐसे में कोई रिस्क लेने के लिए तैयार होगा, ये काफी मुश्किल ही लगता है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि फवाद खान का बॉलीवुड करियर लगभग खत्म हो चुका है, और अब उन्हें फिर से 2 करोड़ की बजाय पाकिस्तान में 5 लाख से ही काम चलाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। ओपो टाइम्स फ्रेश फेस की हो चुकी है शुरुआत, और इस बार हमारा पहला डेस्टिनेशन है कोलकाता। आइए देखते हैं इस बार यहाँ क्या कुछ है खास। हर साल की तरह इस बार भी हम आपके लिए लाए हैं देश का सबसे बड़ा टैलेंट हंट विद अ ब्यूटीफुल फेस, यानी ओपो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 कोलकाता में। Chosen 8 fresh-faced boys and girls ने रैंप वॉक, परफॉर्मेंसेस और Q&A राउंड के दम पर एक दूसरे को दी कड़ी टक्कर। इवेंट की हाईलाइट रही ओपो सेल्फी वॉक राउंड, जब कंटेस्टेंट्स ने रैंप वॉक करते हुए पोडियम पर आगे आकर ली एक स्मार्ट ओपो सेल्फी। इवेंट पर मौजूद जजेस भी देखे काफी एक्साइटेड। इट्स बीन वेरी वेरी लॉन्ग, आई थिंक प्रॉब्ली दिस विल बी माय थर्ड और फोर्थ ईयर, सो आई हैव ऑलवेज सीन पीपल हु बीन अ पार्ट ऑफ दिस, द पार्टिसिपेंट्स शॉप शॉप में दे गॉट अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड दे हैव कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर,
and I'm looking for how they look on my costumes. So really, I'm looking for that only. इस ग्लैमरस इवेंट का विनर और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस ये हम आपको बताएंगे कल बिकॉज वी हैव कवर्ड एवरी एक्साइटिंग पार्ट ऑफ ओप्पो कोलकाता टाइम्स फ्रेश फेस 2016। जूम स्टार ऑफ द डे सोनू सूद ने शेयर किए अपने कूल डांसिंग मूव्स आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सोनू सूद के साथ जूम ने किया तू तक तू तक तूतिया। स्टार ऑफ द डे रावण रिलोडेड सोनू ने की अपनी फेवरेट को स्टार तमन्ना के बारे में खास बात। हमारे साथ दो ऐसे हैंडसम स्टार हैं जिनको देखकर लड़कियां ऐसे ही फिदा हो जाती है और वो कर रहे हैं तू तक तूतिया। ये है क्या? You know, I think, जब हम तू तक तूतिया की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारा म्यूज़िक सेलिब्रेशन दिखता है। म्यूज़िक के डांस के किंग आपके पास खड़े हों प्रभु सर, और म्यूज़िक का आपने म्यूज़िक पहला देख ही चुके हैं रेलगाड़ी, तो बहुत सारी मस्ती है उसके अंदर, बहुत सारा ह्यूमर है, हॉरर है, कॉमेडी है। सुनू, कितना टफ था सर को कॉम्पिटिशन देना क्योंकि डांस काफ़ी है इसमें, आप दोनों जन डांस कर रहे हैं, तमन्ना है, तो कितना टफ था क्योंकि पूरा ओवरऑल डांसिंग दिख रहा है, काफ़ी बेहतरीन डांस फॉर्म्स दिख रहे हैं। टफ तो ये होता ही है ना, जब आपको पता है कि आप कंट्री के सबसे बेस्ट यू नो डांसिंग सेंसेशन के साथ डांस कर रहे हैं, सो यू हैव टू मैच योर स्टेप्स। यू नो व्हेन यू आर वर्किंग विद समवन हु सो पर्टिकुलर, हु सो परफेक्ट, एंड ही वांट्स अ परफेक्शन लाइक दिस, सो आई थिंक दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट मैजिक इन द सॉन्ग्स दैट वी शॉट। रेलगड्डी इज लुकिंग सो ब्रिलियंट, द फिल्म इज लुकिंग सो ब्रिलियंट। सो उनको कितने मार्क्स देते हैं आप डांसिंग में? जैसे मैंने बोला कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग जब करते हैं, जो गलतियाँ होती हैं, बट वेन यू हैव सच ए परफेक्ट मैन विद यू, सो वो गलतियों को उसकी जो करेक्शन होती है, दैट्स वाई you look good. फिल्म में एक सस्पेंस है कि तमन्ना यहाँ है वह वहाँ है, मतलब चेंज हो रही है, कभी वो डरा रही हैं, फिर कभी डांस कर रही हैं, कभी वो शादी शुदा दिखा रही हैं, कभी वो मतलब है क्या, चल क्या रहा है, ओवरऑल थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे। That's about the film, man. So film starts also, that's like, film starts also, if you see the film, film starting also is like the little bit, what's happening is the film. अपनी family member में कौन है सलमान का सबसे favorite member? सोनम के brother हर्षवर्धन को दीपिका ने किया reject. All this and more coming up on our next show, 30 में 30. This is Bye from Planet Bollywood. You keep watching Zoom. Turn on.